आपका अपना फेवरेट चैनल अलीज़ैब चैनल यूट्यूब पे, डेली मोशन पे, जिन जिन लोगों ने मुझे लाइक किया मैं आपकी खिदमत में हमेशा बेहतरीन तफरी पेश करता हूँ। जी हाँ, तो आप टेलीफोन मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे यूट्यूब का चैनल ओपन कीजिए और ऊपर सर्च के निशान पर मेरा नाम लिखिए अलीज़ैब, इसे आप सर्च करें। जब मेरा चैनल आपके सामने आ जाए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ ही आप बेल के निशान पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की इत्तला आपको मिले। मैं हूं आपका अपना अलीज़ैब और आपके फेवरेट चैनल अलीज़ैब चैनल पर हमेशा की तरह फिर अपना वादा निभाने आपको एक नई इंफॉर्मेटिव एक मालूमती वीडियो दिखाने के लिए। और जो मैंने वादा किया था पिंडी के मज़ेदार अचारों को, जैसा कि मैंने दो दफ़ा कहा तो मेरे दोस्त ने कहा कि आपने वीडियो में जो गाना गाया था तो प्लीज़ ज़रूर दोबारा गाइएगा। तो मैं मेरे दोस्त जिसने मुझे स्पेशली कॉल करके कहा था कि अचार की अगली तरकीब में मुझे ज़रूर सुनाइएगा, तो दोस्त आपके नाम, सारे दोस्तों तमाम फैंस के नाम, मेरा यार पिंडी दा, दिलदार पिंडी दा, अलीज़ैब लेके आया चार पिंडी दा, मेरा यार पिंडी दा, दिलदार पिंडी दा। तो जनाब हम आज लेके आ रहे हैं आपके लिए नहायत ही दिलचस्प वीडियो, क्योंकि करेले सबको पसंद नहीं होते, बच्चे कहते कड़वे हैं, लेकिन जनाब मैं जो आपको अचार की तरकीब बताने जा रहा हूँ वो कड़वे नहीं बल्कि खट्टे मज़ेदार होंगे, खट्टे और तीखे। जी हाँ, करेले हम लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलीज़ैब चैनल के साथ मैं हूँ आपका अपना अलीज़ैब और इस बार लाया हूँ आपके लिए शानदार अचार की तरतीब। जी हाँ, ये है माशाल्लाह 17 मसालों वाला अचार जो कि अपनी मिसाल आप है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की तारीख का ये वो अचार है जो आज तक आपने पूरी दुनिया को ये चैलेंज है कि इन मसालों वाला ये जो अज्जाए तरकीबी अचार है ये आज तक YouTube पर किसी ने अपलोड नहीं किया। क्यों? कि इसमें से एक स्पेशल जो चीज़ है वो अलीज़ैब चैनल की तरफ से अलीज़ैब की अपनी दरियाफ्त करता है। बुज़ुर्ग लोगों में, जिन बच्चों में कैल्शियम की कमी हो, उनके लिए ये सफ़ेद तिल जो है एक नई ज़िंदगी की नई नवीद का काम करते हैं, लिहाजा इस अचार में हमने पहली बार सफ़ेद तिल का इजाफा किया जो कि नहायत ही कामयाब रहा और लोगों में जायके और मज़े के साथ साथ उनको कुदरती तौर पर सेहत में हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक इस अचार को तैयार करके ऐसा बनाया कि मज़े के साथ साथ ये सेहत अफजा भी है। आपने देखा होगा अलीज़ैब चैनल पे हमेशा जो है ना जिक्र किया जाता है, हल्दी हमेशा मैं साबुत इस्तेमाल करता हूँ। उसकी वजह ये है कि बाज़ार से मिलने वाली हल्दी अगर बहुत ज़्यादा येलो है तो इसका मतलब है उसमें रंग शामिल किया गया है जो सेहत की बजाय उल्टा और नुकसानदेह होती है। और आप ये देख रहे हैं, ये है सूंड, जो कि यकीन बहुत सारे लोगों को पता है कि अदरक को खुश करके सूंड तैयार की जाती है। ये है सूंड जो इस अचार का लाजिम जुज है। और जो अहम चीज़ इसमें है जो बहुत कम अचार में लोग डालते हैं वो है जनाब हींग। हींग का इससे ज़्यादा टुकड़ा इस्तेमाल नहीं करते हम, 2 किलो अचार के लिए इतनी हींग यूज़ करेंगे। तो आइए टोटल जितने भी अज्जाए तरकीबी हैं आपको तमाम अज्जा फर्दन फर्दन बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे राई। ये है जनाब राई, जिसके लिए मशहूर है कि राई का पहाड़ ना बनाएं, तो हम राई का पहाड़ तो नहीं बना रहे, हम राई का अचार बनाने जा रहे हैं। ये है जनाब राई, पंजाब के लोग मेथरे भी कहते हैं। नंबर 2 मेथी दाना, नंबर 3 कलवंजी, नंबर 4 ब्लैक पेपर काली मिर्च, नंबर 5 सौंफ, नंबर 6 हींग। हींग लगे ना फटकड़ी और रंग भी आए चोखा। जी हाँ, ये है हींग। और जनाब उसके बाद है धनिया, खुश्क धनिया, सूंठ जो साबुत है हम पीस लेंगे इसे, लाल मिर्च जिसको धड़ा मिर्च की शक्ल भी देंगे और बारीक मिर्च की भी। उसके बाद जनाब है हल्दी,
हमने खालिस होने की वजह से इसको साबित किया है, इसे हम पीस लेंगे। उसके बाद है जनाब अजवाइन, अजवाइन के बाद है हमारे पास सफ़ेद तिल, जो कैल्शियम की वाफिर मकदार अपने अंदर रखते हैं। सफ़ेद तिल के बाद है जनाब सफ़ेद नमक, सफ़ेद नमक के बाद है काला नमक, जिसे हम पीस लेंगे तो वो इस फॉर्म में हो जाएगा। काला नमक भी इसका अहम जुज़ है। तो ये थे जनाब इसके अज्जा। हम पीसेंगे हल्दी को, सूंड को और हींग को हम पहले पीस लेंगे। और लीजिए जनाब हम हींग पीस रहे हैं। हींग की खुशबू से इस वक्त पूरा घर जो है वो महक रहा है। महक, हींग की महक। अभी साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की कि पहले ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन हुआ करता था, फिर कलर आ गया, और उसके बाद मेरी तो तमन्ना है अल्लाह करे साइंस इतनी तरक्की करे कि वीडियो देखने वाले को खुशबू भी साथ आए, तो आपको हींग की खुशबू का भी अंदाज़ा हो जाएगा। हींग की इफादियत से आप सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हींग की सबसे बड़ी क्वालिटियों में से एक क्वालिटी ये कि वेट लूज़र है, पेट की चर्बी को कम करती है। तो अचार हम ऐसा बना रहे हैं जो जिसमें सेहत के असूलों के अहम मुताबिक ना सिर्फ टेस्टी हो बल्कि वो सेहत के असूलों को भी ये जनाब हींग हमने पीस ली है। हींग को हम फ्राई नहीं करेंगे, इसमें थोड़ी सी नमी है लेकिन वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। हम इसको, हमने एक प्यारी सी छोटी सी लंगड़ी इसी मकसद के लिए रखी है कि हम इस तरह की चीज़ें पीस के रखें। तो ये है जनाब हींग जो हम अपने बासी पॉट में, ये जनाब हींग हमने पीस ली। उसके बाद नमक की एक मखसूस मकदार हमें चाहिए, इसलिए हम इसे पीस लेंगे। हम लेंगे एक पैन जो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, इसमें ज़रा सी भी नमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें हम डालेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात दस ग्यारह बारह तेरह और ये जनाब तकरीबन चौदह खाने के बड़े चम्मच हम इसमें डालेंगे। ये क्योंकि कुछ चम्मचों में कम था इसलिए मैं इसे ज़्यादा डाल रहा हूँ। तकरीबन ये 14 चम्मच हमने, क्योंकि मसाले भी 17 हैं तो 14 जो ख़ास मसाले हैं वो 14 हैं, इसलिए हम 14 चम्मच इसमें ये डाल देंगे। इसी में हम राई डालेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये जनाब 14 चम्मच इसमें होगी राई। 7 चम्मच डालेंगे इसमें धनिया। 2 3 4 5 6 और ये 7 7 7 चम्मच हमने धनिया डाला और हम डालेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये 14
14 चम्मच इसमें आएगा।